आज हम सीखेंगे लीनियर इंटरपोलेशन किस तरह की जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 12.35 टू 15.763, ये मैंने सेचुरेटेड स्टीम टेबल से उठाया है। ओके, अब मैंने एक टेम्परेचर ले लिया 52.3, इस पे मुझे प्रेशर फाइंड करना है। स्टीम टेबल में आपको 50, 55, 60, 65 इस तरह गिवन होगा। अगर हमें निकालना है इनके बीच की कोई वैल्यू, लाइक 52.3 मैंने लिया हुआ है, अब मुझे इससे प्रेशर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वाई माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। यहाँ पर जो हमारे पास वाई है वो वैल्यू होगी जो हमें फाइंड करनी है। ओके, और वाई वन क्या होगा? इससे ऊपर वाली वैल्यू, स्टीम टेबल में जो जिससे हमें फाइंड करना है, इससे ऊपर वाली वैल्यू को हम वाई वन कहेंगे, इससे नीचे वाली वैल्यू को वाई टू कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पर हम इसे एक्स टू कहेंगे, जिस पर हमें फाइंड करना है उसे हम एक्स कहेंगे, और इससे ऊपर वाली वैल्यू हमारे लिए एक्स वन होगी। इन सारी वैल्यूज़ को हमें सिर्फ इसके अंदर पुट करना है कैलकुलेटर में, और आपके पास इस वाई की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी एट 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब मैं पुट करके दिखाती हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। ये कैलकुलेटर है जहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दिया, आप देख लें। ये मैंने पुट कर दिए और ये हमारे पास 13.92106, ये हमारे पास आंसर आ गया है, 13.92106 किलो पास्कल। ये हमारे पास आंसर आ गया 52.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास ये प्रेशर होगा। इस तरह हम इंटरपोलेशन करते हैं।